कोरबा जिले में इन दिनों गणेश उत्सव का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी पर्व में कोरबा नगर पालिका निगम के वार्ड क्रमांक 45 ग्राम सियाही मुड़ी में श्री सीताराम धर्म प्रचारक रामलीला मंडली प्रयागराज द्वारा रामलीला का मंचन किया जा रहा है। सनातन धर्म के प्रचार के लिए यह मंडली देश के कई राज्यों, शहरों और गाँव में भ्रमण कर रामायण के पात्रों की भूमिका निभाते हुए रामायण का जीवंत मंचन कर लोगों को धर्म के प्रति जागरूक कर रहे हैं। यही उन मंडली वालों की जीविका का साधन भी है। वे ग्रामों में रामलीला प्रस्तुत कर ग्रामवासियों के द्वारा दिए जाने वाले दान से अपनी जीविकोपार्जन करते हैं। इसी तारतम्य में श्री सीताराम रामलीला मंडली प्रयागराज द्वारा ग्राम सियाही मुड़ी के युवा समिति व ग्रामवासियों से संपर्क कर कार्यक्रम प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी। ग्रामवासियों द्वारा पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल की वजह से रामायण का कार्यक्रम नहीं हो पाया था। इसी वजह से उन्हें रामलीला के मंचन करने हेतु उन्हें कहा गया। उनके द्वारा ग्रामवासियों के निवेदन पर सियाही मुड़ी नवधा पंडाल में रामलीला का मंचन किया जा रहा है। ग्रामवासी व आसपास के क्षेत्र के लोग इसका भरपूर आनंद उठा रहे हैं। महिलाएं कार्यक्रम प्रारंभ होते ही भगवान श्री राम की आरती के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लेती हैं। चर्चा के दौरान मंडली वालों ने बताया कि वे इस प्रकार रामायण का मंचन कर लोगों को धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति जागरूक करने और धर्म का प्रचार कर रहे हैं और यही उनकी जीविका का साधन भी बन गया है। ग्रामवासियों से चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि पूर्व में बहुत पहले रामलीला गांव में देखने को मिलती थी, आज बहुत समय के पश्चात रामलीला का आयोजन हुआ है। इससे उन्हें रामायण के साथ साथ रामलीला के जीवंत सुखद अनुभव की प्राप्ति हो रही है और साथ ही रामायण का पाठ भी हो रहा है।